दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश और आप सभी लोग देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि यार्न रीलिंग प्रोसेस क्या होती है और यार्न रीलिंग प्रोसेस क्यों की जाती है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यार्न रीलिंग मशीन कितने प्रकार की होती है और गैस यार्न रीलिंग मशीन कैसे वर्क करती है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो गैस इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूँ, आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस टॉपिक मैं आपको बता चुका हूं, आज हम सभी यार्न रीलिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यार्न रीलिंग प्रोसेस होती क्या है। तो गाइस यदि हम यार्न रीलिंग प्रोसेस की डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यार्न रीलिंग प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम पैकेज में बाइंड किए हुए धागे को यूज करके यार्न रीलिंग मशीन की सहायता से अपने धागे को लच्छी में बदल देते हैं या हैंक में बदल देते हैं। तो इस तरीके की प्रोसेस को हम यार्न रीलिंग प्रोसेस कहते हैं। गाइस अब ये यार्न रीलिंग प्रोसेस होती है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम क्यों करते हैं, व्हाई यार्न रीलिंग इज डन। तो गाइस क्या होता है कि जो आपका धागा होता है पैकेज फॉर्म में होता है और आपके लूम साइड के अंदर सपोज करिए पहुंचता है। अब आपको वहां पर कपड़ा बनाना है तो आप ग्रे फैब्रिक भी बना सकते हो, उसके बाद डाई कर सकते हो। यदि आपको कोई स्ट्राइप बनाना हो, चेक बनाना हो, सैमरे फैब्रिक बनाना हो तो फिर आपको अपने धागे को पहले डाई करना पड़ेगा, तब आप कपड़ा बनाएंगे। तो गाइस अब ये जो आपका धागा डाई होता है वो दो तरीके से होता है, एक तो होता है आपकी पैकेज डाइंग। तो पैकेज डाइंग के अंदर आप कौन के फॉर्म में ही अपने धागे को डाई करते हैं और दूसरा प्रोसेस होता है आपका हैंक डाइंग। तो जब आप पैकेज फॉर्म में अपने धागे को डाई करते हैं तो उसकी जो डाइंग की कॉस्ट होती है वो ज्यादा होती है। तो गाइस जब आप पैकेज डाइंग के अंदर अपने धागे को डाई करते हो तो वहां पे क्या होता है कि आपके धागे की दो बार बाइंडिंग होती है, तो दो बार बाइंडिंग होने की वजह से आपकी जो डाइंग की कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा एक कारण और होता है कि कौन डाइंग या पैकेज डाइंग के अंदर जो आपको सुखाने की कॉस्ट होती है यार्न को, वो भी बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए बहुत से लोग अपने धागे को हैंक फॉर्म में डाई करना ज्यादा पसंद करते हैं और उनके लिए ज्यादा सुइटेबल होता है हैंक फॉर्म में डाई करना। गाइस यदि आप अपने धागे को हैंक फॉर्म में डाई करते हो तो वहां पर दो फायदे होते हैं, एक तो आपको अपने धागे की सिर्फ एक बार ही वाइंडिंग करनी पड़ती है जब आप अपने धागे को डाई कर लेते हो और उसको सुखा लेते हो, उसके बाद में सिर्फ एक बार ही आपको हैंक टू कॉन वाइंडिंग करनी पड़ती है। दूसरा एक फायदा और होता है वो ये होता है कि आप अपने धागे को बिना किसी ड्राइंग सिस्टम के डायरेक्ट सनलाइट में अपने धागे को इजिली सुखा सकते हो, तो वहां पर आपकी पूरी की पूरी जो ड्राइंग कॉस्ट होती है या सुखाने की कॉस्ट होती है वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए आपका जो हैंक डाइंग होता है वो सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग हैंक फॉर्म में धागे की डिमांड करते हैं। गाइस अब आते हैं कि जो आपके टाइप ऑफ रीलिंग मशीन क्या क्या होते हैं। तो जो आपके रीलिंग मशीन होते हैं गाइस वो दो प्रकार के रीलिंग मशीन होते हैं, एक होता है सिंगल एंड रीलिंग मशीन और दूसरा होता है आपका मल्टी एंड रीलिंग मशीन। तो सिंगल एंड रीलिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि आप अपनी मशीन के ऊपर यदि एक बार में एक हैंक बना पाते हो या एक लच्छी बना पाते हो यान की, तो इस तरीके की मशीन को हम सिंगल एंड रीलिंग मशीन बोलते हैं। और गाइस जो मल्टी एंड रीलिंग मशीन होती है तो उसके अंदर आप अपनी मशीन के ऊपर एक से ज्यादा हैंक एक साथ बना सकते हैं, वहां पे आप 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं, 30 भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मशीन की कैपेसिटी होती है उसी के अनुसार आप बना सकते हैं। गाइस अब यदि हम टाइप ऑफ मैकेनिज्म की बात करें कि आपकी जो यार्न रीलिंग मशीन होती है कितने प्रकार की होती है, तो ये तीन प्रकार की होती है। पहली होती है मैनुअल रीलिंग मशीन। तो मैनुअल रीलिंग मशीन में क्या होता है कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं आपके यार्न रीलिंग मशीन के अंदर वो सारे के सारे मैनुअल होते हैं
और वहां पर लेबर कंज्यूमशन भी बहुत ज्यादा होती है और वो कॉस्टली भी बहुत ज्यादा पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज्यादा होती है। दूसरी होती है आपकी सेमी ऑटोमेटिक या रीलिंग मशीन, तो उसके अंदर जो आपकी मशीन चलती है वो पावर से चलती है और वहां पर आपकी मशीन का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, बहुत तेजी से आप हैंक बना सकते हैं वहां पर। और तीसरी होती है आपकी फुली ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन, तो उसके अंदर जो प्रोसेस होता है तो बहुत सारा वो ऑटोमेटिक होता है। पहला जैसे कि आपका हैंक की लंबाई पूरी हो जाती है तो आपकी मशीन ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, वहां पे कंप्यूटर लगा होता है, उसमें आप प्रीसेट लेंथ भर देते हैं, जैसे ही आपकी लंबाई प्रीसेट लेंथ पर पहुंचेगी मशीन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाती है। दूसरा गाइस ये होता है कि आपके फुली ऑटोमेटिक रीलिंग मशीन के अंदर जब आप डॉफिंग करते हैं तो डॉफिंग बहुत बड़ी समस्या होती है रीलिंग मशीन के अंदर, तो वहां पर डॉफिंग करने के लिए क्या होता है कि हाइड्रोलिक आर्म लगे होते हैं, उससे पूरा का पूरा जो हेक्सागन होता है वो बाहर निकल आता है और वो एक स्टैंड में फिट कर देते हैं। और तीसरी चीज ये होती है कि आप अपनी मशीन पे जो हैंक का टेंशन होता है उसको ऑटोमेटिकली उसको रिलीज कर सकते हैं, जिससे आपके हैंक निकालने में आसानी हो जाती है। गाइस ये तो हुए टाइप ऑफ यार रीलिंग मशीन अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म। अब गाइस मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कोई भी रीलिंग मशीन होती है तो उसका कॉमन स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारी रीलिंग मशीन कैसे वर्क करती है। तो गाइस आप सभी लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। तो गाइस यहाँ पर इस पिक्चर में मैंने आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाया हुआ है यार्न रीलिंग मशीन का। तो ये जो यार्न रीलिंग मशीन है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट है मैं आपको एक एक पार्ट बताता हूँ, फिर मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा। गाइस देखिए सबसे पहले जो मेन पार्ट होता है आपका ये हेक्सागन होता है, तो ये आपके जो आयरन के चैनल होते हैं स्क्वायर पाइप वगैरह होते हैं उनसे बना होता है और जो चैनल होते हैं आयरन के उनकी स्टील की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, इस तरीके से हम सेलेक्ट करते हैं कि उनमें जंग वगैरह ना लगे और वो स्मूथ भी रहे। गाइस ये जो आपकी हेक्सागन होती है इसके अंदर पूरे लेंथ के अंदर एक शाफ्ट होती है, मेन शाफ्ट होती है, और ये जो पूरा का पूरा हेक्सागन होता है तो यहाँ पर सेल्फ अलाइंड बेयरिंग और ब्रैकेट की सहायता से अपने स्ट्रक्चर के ऊपर रेस्ट करता है। और ये जो शाफ्ट होती है मेन शाफ्ट, इसके ऊपर एक पुली लगी होती है जिसको मशीन पुली कहते हैं, तो देख सकते हैं आप ये जो डी है ये मशीन पुली है, इसके बाद में ये जो ई है ये सेकेंड पुली है, ये भी आपके मेन शाफ्ट पर लगी होती है। इसके बाद में गाइस और क्या होता है, तो ये एफ ये मोटर होती है, ये आपकी मशीन को चलाती है और मोटर के ऊपर एक पुली लगी होती है, तो ये जो पुली है जी ये आपके मशीन पुली से बेल्ट की सहायता से कनेक्ट होती है। और गाइस ये जो एच है ये आपकी बेल्ट है, और गाइस ये जो आई है पीले कलर से जो हमने दिखाया हुआ है ये भी एक बेल्ट है, वो आपके सेकेंड पुली और थर्ड पुली को कनेक्ट करती है, थर्ड पुली आपकी जे तो थर्ड पुली को कनेक्ट करती है। और आपका जो के है ये बेवल गियर सिस्टम है, तो इससे क्या होता है कि ये 90 डिग्री पे जो वर्म शाफ्ट होती है उसको मोशन ट्रांसफर करता है। और गाइस यहाँ पर देखिए ये वर्म शाफ्ट के ऊपर वर्म लगा हुआ है एल, और ये जो वर्म है वो आपके वर्म गियर एम से एंगेज्ड होता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये पूरी पट्टी है, ये आपकी यार्न ट्रेवर्स गाइड होती है, ए है इसका नाम। और यहाँ पर देखेंगे यदि आप तो ये एन ये आपका कॉन होल्डर है, और ओ आपका यार्न का पैकेज है, और ये पी है ये थ्रेड गाइड होती है या यार्न गाइड कह लीजिए इसको। और इसके बाद में फिर आपका ये जो ब्लू कलर से दिखाया हुआ है ये आपका यार्न होता है। तो गाइस सबसे पहले तो आप यार्न का पैसेज देख लीजिए किस तरीके से होता है, तो यार्न पैसेज में क्या है आपका कौन से धागा निकलता है और कहां पे जाता है, सीधा जाता है आपका थ्रेड गाइड के अंदर या यार्न गाइड के अंदर, और इसके बाद में फिर ये जाता है यार्न ट्रेवर्स गाइड के आई के अंदर जाता है, और इसके बाद में सीधा ये आपके हेक्सागन के ऊपर चला जाता है। तो गाइस अब होता क्या है कि जब आपकी मशीन चलती है तो सबसे पहले आपकी मोटर चलेगी, ये मोटर है आपकी, मोटर जब रोटेट करती है तो मोटर रोटेट करेगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जब मोटर रोटेट करेगी और आपकी मोटर की पुली कनेक्ट है आपके मशीन की पुली से तो आपकी मशीन पुली भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने लगती है, और जब मोटर पुली रोटेट करती है तो आपका जो पूरा का पूरा हेक्सागन है बी ये रोटेट करने लगता है। अब चूंकि आपका धागा अटैच है
हेक्सागन से, तो जैसे ही आपका हेक्सागन रोटेट करता है तो आपका धागा खींचने लगता है, मतलब आपका जो हेक्सागन होता है आपके धागे को ड्रैग करता है, और ड्रैग करते ही आपके यार्न की वाइंडिंग होने लगती है, कॉइल बनने लगती है हेक्सागन के ऊपर। बट गाइस अब यहाँ पे होता क्या है कि यदि आपके मशीन के ऊपर सपोज करिए धागा बन रहा है, और धागा बन रहा है बनते बनते क्या होगा कि यहाँ पे लेयर मोटी होती जाएगी, तो मोटी होगी तो कुछ कॉइल की लेंथ तो बढ़ जाएगी और जो साइड की कॉइल है उनकी लंबाई कम रहेगी, तो आपकी जो हैंक है वो अनवाइंडिंग में वहां पे दिक्कत करेगी और खराब भी हो सकती है, एंटेंगलमेंट भी हो सकता है उसका, तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गाइस क्या करते हैं, हम अपनी मशीन के अंदर एक यार्न ट्रेवर्स गाइड लगाते हैं। तो वो यार्न ट्रेवर्स गाइड कौन सी है, वो है ये, और गाइस ये पूरी की पूरी पट्टी है और मशीन के ऊपर दो स्टड के ऊपर लगी होती है, स्लॉट में फंसी होती है और लेफ्ट राइट में मूव करने के लिए स्वतंत्र होती है। तो गाइस किस तरीके से आपकी यार्न ट्रेवर्स गाइड ट्रेवर्स करती है लेफ्ट राइट में, तो देखिए गाइस ये जो आपकी पुली ई है, सेकंड पुली, ये आपके मैन शाफ्ट में लगी हुई है, तो आपकी जब मैन शाफ्ट घूमती है तो उसके साथ में आपकी ये कनेक्ट होती है थर्ड पुली से, तो थर्ड पुली से कनेक्ट होती है बेल्ट के द्वारा, येलो कलर से मैंने दिखाया हुआ है। तो जो आपकी थर्ड पुली जब घूमती है तो थर्ड पुली के शाफ्ट के ऊपर ही एक बेवल गियर लगा है, वो आपका कनेक्ट है दूसरे बेवल गियर से, तो आपकी बेवल गियर घूमने लगती है। अब बेवल गियर के ऊपर एक वर्टिकल शाफ्ट होती है, वो वर्टिकल शाफ्ट के ऊपर एक लगा होता है वर्म, और वर्म कनेक्ट होता है आपके वर्म गियर से, ये वर्म एल है और वर्म गियर एम है। तो जैसे ही आपकी मशीन चलती है तो मोशन ट्रांसफर सबसे पहले होती है थर्ड पुली को, थर्ड पुली से आपको ट्रांसफर होती है बेवल गियर्स को, बेवल गियर से होती है आपके वर्म को। तो जैसे ही आपका वर्म घूमता है तो ये जो आपका वर्म गियर है वो रोटेट करने लगता है, और जब वो रोटेट करता है तो वर्म गियर के ऊपर क्या होता है, बिल्कुल वर्म गियर की परिधि के ऊपर एक पिन लगी होती है, तो उस पिन में एक कनेक्टिंग रॉड लगी होती है, और उस कनेक्टिंग रॉड का दूसरा सिरा कनेक्ट होता है आपके ट्रेवर्स गाइड से। तो ये जो कनेक्टिंग रॉड होती है यहाँ पर भी ये फ्री होती है अपने स्टड के ऊपर, और यहाँ पर भी फ्री होती है स्टड के ऊपर। तो जैसे ही आपका ये जो वर्म गियर है रोटेट करता है इस डायरेक्शन में, इस तरीके से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो आपकी जो ट्रेवर्स गाइड है वो जब ये 180 डिग्री पर घूम जाएगी, यहां तक आ जाएगी, तो ये मैक्सिमम लेफ्ट आ जाएगी, और जब ये फिर 180 डिग्री पर घूमेगी तो मैक्सिमम राइट चली जाएगी। तो गाइस यहां पर देख सकते हैं आप, यदि ट्रेवर्स गाइड ना हो तो यहाँ पे क्या होगा, एक ही जगह पर धागा इकट्ठा होता रहेगा। अब हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे पोजीशन आपकी, ये इनिशियल पोजीशन है जो यहाँ पे आपको दिख रही है, ये वाली, ये है आपकी यार्न की पोजीशन, और जब आपका मशीन चलेगा तो धीरे धीरे आपका ये जो वर्म गियर है रोटेट करेगा, 180 डिग्री पे आ जाएगा, तो क्या होगा आपका यार्न का पोजीशन यहाँ था इनिशियल, वो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहां से लेके यहां तक ट्रेवर्स किया। अब जब वो फिर 180 डिग्री फिर रोटेट करेगा तो फिर आपकी पोजीशन जहां पे पहले था यहां पे आ जाएगी, तो जो आपके हैंक के अंदर या लच्छी के अंदर जो लेयर बनती है वो हर जगह पे बराबर होती है। तो इस तरीके की जब लच्छी बनती है तो जो अनवाइंडिंग होती है आपकी, तो वहां पे फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आती, आपका धागा इजिली अनवाइंड होता रहता है। अब गाइस एक चीज होती है डॉफिंग, तो डॉफिंग का मतलब है कि जब आपकी जो लच्छी है उसकी एक निश्चित लेंथ आ जाती है, जितना आप चाहते हो 100 ग्राम 150 ग्राम, उसके बाद में आपको लच्छी को हटाना पड़ता है, फिर दोबारा से चालू करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये जो आपका हेक्सागन होता है ये लाइट वेट का होता है, तो आप ये जो बेल्ट लगे हैं इनको डिसंगेज करके आप पूरे हेक्सागन को उतार के किसी स्टैंड पर रख लेते हैं, और फिर आराम से अपनी जो हैंक्स होती हैं या लच्छियाँ होती हैं उनको मैनुअली बाहर कर लेते हैं। यहाँ पर मैनुअल सिस्टम लगा होता है, उससे क्या होता है ये जो आपका हेक्सागन होता है इसका डाया होता है कम हो जाता है, तो फिर आपकी लच्छियों का जो टेंशन होता है वो रिलीज हो जाता है, और आप अपनी हैंक्स को या लच्छियों को इजीली डॉफ कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो। इसके बाद में फिर आप अपनी जगह पर रख देते हैं अपने हेक्सागन को, और आप दोनों बेल्ट को कनेक्ट कर देते हैं और फिर मशीन को दोबारा से चालू कर देते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपके साथ में डिस्कस किया कि आपका यार्न रीलिंग प्रोसेस क्या होता है, कितने टाइप की यार्न रीलिंग होती है,
और एयर रीलिंग मशीन का स्ट्रक्चर क्या होता है और वो कैसे वर्क करती है। तो गाइज देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइज यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ में साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।